नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर। बढ़ते हैं आज की खास खबर की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए थे। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार चल रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी की तरीके पर आपत्ति जताई है। रायपुर पुलिस ने उसे गुरुवार तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक करवाया था। रायपुर पुलिस उसे लेकर छत्तीसगढ़ रवाना हो गई है। रायपुर में हुई धर्म संसद के समापन के दिन शनिवार को महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश कर दिया। नमस्कार है नथुराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ऐतराज जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अपने एक्शन की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को देनी चाहिए थी, इससे इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस से आपत्ति दर्ज कराएंगे। गिरफ्तारी से पहले कालीचरण का एक बयान सामने आया था। इसमें वह कह रहा है कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर FIR हुई है, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूँ, मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार ही है। अपने ताजा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा है कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। तो ये तुम्हारी खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।